हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अनिला। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। तो भाई ये है फेस स्वीट फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर। जी हाँ, कॉम्पैक्ट पाउडर बोल लें, प्रेस पाउडर बोल लें, ठीक है। तो मैं आज इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं आपको इसके 6 कलर, जिसमें 4 कलर नहीं है, 1 to 6 कलर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ अच्छा, ये जो 1 to 6 कलर हैं, ये फेयर टोन और लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए हैं। ये फेयर टोन वाले और लाइट टू मीडियम स्किन टोन वाले जो होते हैं, वो ये बासानी बाई कीजिए यही कलर्स, और बासानी इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, बिल्कुल इनकी टोन से मैच करता हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को इसकी बता दूँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है SPF 25 हमें इसमें अवेलेबल हो रहा है, हमें मिल रहा है। भाई कॉम्पैक्ट पाउडर में नहीं होता है, बहुत कम कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं जिसमें ही हमें SPF मिलता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो ये कलर्स हैं ना, ये आपके फेस पे बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैं आप लोगों को ये 1 कलर चेक करवाऊँगी, इसे चेक कीजिए। ये फेयर टोन के लिए है, ठीक है, इस पर फेयर लिखा हुआ है तो ये फेयर टोन के लिए है। तो यहाँ पर इसका ये कलर चेक कीजिए, और सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग चेक कीजिए। भाई पैकेजिंग इसकी माइंड ब्लोइंग लगी, क्योंकि इसमें हमें मिरर भी मिल जाता है, इसमें हमें जो है अपना पफ रखने के लिए जो है ना कंपार्टमेंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इसकी पैकेजिंग तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, 10 out of 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको फेयर टोन इसकी चेक करवाई है। अब मैं इसकी आपको दूसरी फेयर टोन चेक करवाऊँगी, ये भी फेयर टोन में ही जाएगा, ठीक है। ये इसका 2 कलर है नेचुरल, ये भी फेयर टोन में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नेचुरल कलर है, ये चेक कीजिए, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि फेयर टोन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइट टू मीडियम टोन वाले भी, एज अ हाईलाइट जो करते हैं हम लोग अपने हाईलाइट एरिए को, उस पर्पस से भी हम ये कलर यूज़ कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो ये नेचुरल कलर है, ये तो मेरी स्किन टोन पे पूरा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ अपने फेस पे, ठीक है, अपनी टोन पे। आप लोग भी जो मेरी टोन वाले हैं, इसको जो है ना बिना कोई किसी सोचे समझे इसको ख़रीद लीजिए और इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये टोटली रिकमेंडेड है। अब मैंने यहाँ पे आपको 2 कलर भी जो है आप लोगों के साथ शेयर किया। इसका भाई टेक्सचर, हाँ मैं यहाँ आप लोगों को टेक्सचर बता दूँ, इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी है, ठीक है, कोई हर्ष नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है। अब यहाँ पे इसका मैंने ये 3rd कलर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका ये 3rd कलर देखें, 3rd आई थिंक इसका बैच कलर है, ठीक है। ये कलर आप चेक कीजिए, इसका ये कलर बहुत ही प्यारा है और ये लाइट टू मीडियम टोन पे जाता है, वो बासानी इसको यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैं देखिए कंपार्टमेंट के जो कंपार्टमेंट है ना, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करवा रही हूँ कि भाई इनके ये कंपार्टमेंट भी जो है चेक कर लीजिए, पफ वगैरह जहाँ हम रखते हैं इसका। अब यहाँ पर भाई मैं इसका 5 कलर आप लोगों को चेक करवा रही हूँ, ये रोज़ पिंक है, ठीक है ना, इसका नाम रखा है रोज़ पिंक। पिंक तो इसमें कोई बात नहीं लग रही है, लेकिन रोज़ पिंक इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। ये भी लाइट टू मीडियम टोन वाले यूज़ कर सकते हैं, उनकी टोन पे ये पूरा जाएगा, पूरा सेट होगा, पूरा उस पर जो है क्या बोलते हैं उसे सूट करेगा, ठीक हो गया। अब इसकी आप कलर चेक कर लीजिए, इसका कलर भी लाइट टू मीडियम टोन के लिए है, ठीक है। ये इसका आई थिंक 5 नंबर है और इसका जो नाम है वो है रोज़ पिंक, ठीक हो गया। इसका शेड आप चेक कर लीजिए, और अगर जिसको ये बाय करना हो वो नोट डाउन कर लीजिए और इसको बआसानी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका ये 5 कलर भी आप लोगों को चेक करवाया, अब मैं इसका ये 6 कलर चेक करवा रही हूँ आपको। ये 6 कलर भी आप चेक कर लीजिए इसका शेड, इसका ये भी शायद लाइट टू मीडियम टोन के लिए है। देखिए इसके 2 कलर हैं जो सिर्फ फेयर टोन के लिए हैं, ठीक है ना, बाकी के कलर जो हैं वो लाइट टू मीडियम टोन के लिए हैं। लाइट टू मीडियम टोन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं,
सॉरी लाइट टू मीडियम वाले ही इसको यूज़ कर सकते हैं, फेयर ट्यून वाले यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, इसमें डार्कर शेड भी हैं, उसको हम एज अ जो है काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, इसके डार्कर टून भी हैं। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करवाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको लास्ट कलर चेक करवाया, देखें ये सारे कलर्स और सबकी जो है शेड्स आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और जिसको भाई मेरी ये वीडियो आसान लग रही है कि बसानी मैंने आप लोगों को कलर दिखा दिए आपकी स्किन टोन के मुताबिक, तो मुझे भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपने हमारा काम आसान कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अगर आपने मेरी हौसला अफजाई की, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक किया और शेयर किया, तो भाई मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। बहुत हेल्पफुल वीडियो होती हैं इस तरह की उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी कॉस्मेटिक की हावनाव नहीं होती है, बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं होती है, वो इन्हीं वीडियो से नॉलेज लेते हैं और अपनी जो है लाइफ को इजी करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आप लोगों को, मेरी ये शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो, ठीक है। चलती हूँ अपनी अगली वीडियो की ओर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।